आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी में तैनात एडीजे 500 की गाड़ी आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें चालक सहित एडीजे घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सैफई पीजीआई पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने एडीजे पूनम त्यागी को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक जिंदगी और मौत के बीच सैफई अस्पताल में जंग लड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो दिन की छुट्टी बिताने के बाद एडीजे 500 पूनम त्यागी अपनी कार से मैनपुरी आ रही थी, जब उनकी कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र में माइलस्टोन 66 के समीप पहुंची, तभी चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार आगे जा रहे ट्रक के पीछे से घुस गई। हादसा होने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी होते ही थाना अध्यक्ष महेश चंद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एडीजे 500 की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी होते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल घायलों को पीजीआई सैफई भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने पूनम त्यागी को मृत घोषित कर दिया। क्षतिग्रस्त कार पुलिस चौकी उरावर पर खड़ी करा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पूनम के पति भी मेरठ न्यायालय में तैनात बताए गए हैं। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। श्री पूनम त्यागी, जो जनपद मैनपुरी में अपर जिला जज पाक्सो के पद पर तैनात थी, आज गाजियाबाद से जनपद मैनपुरी आते समय सुबह करीब 9 बजे 65 किलोमीटर पर जनपद फिरोजाबाद के नगला खंगर थाने के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको चोट लगी थी, जिनको सफेद मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ ड्राइवर भी था, जिसका इलाज चल रहा है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।